बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, और जिसके अंदर हम लोगों ने इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जिसके अंदर हम लोगों ने डिग्री और रेडियन को पढ़ा था, और इसकी मैंने चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट बना ली है, जिसके अंदर हम इस पूरे चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको पूरी बुक की प्लेलिस्ट चाहिए, मतलब पूरे बुक की वीडियोस चाहिए पूरी बुक की फर्स्ट ईयर की, सो वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। उसके लिए मैंने लिखा 11th क्लास मैथमेटिक्स, डेली मैथ चैनल के अंदर जाना, 11th क्लास मैथमेटिक्स में आप लोगों ने उसको फॉलो कर देना है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करते हैं, कहते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, डिग्री को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, ठीक है, एंगल इन रेडियन। आप लोगों के पास पहले ये चीज लिखी, तो डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए एक सिंपली सी कॉन्सेप्ट है, पाई मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180, पाई डिवाइडेड बाय 180, और अगर रेडियन से डिग्री की तरफ आना है तो 180 डिवाइडेड बाय पाई। सो अभी हम लोगों ने अगर इस डिग्री को फॉर एग्जांपल कन्वर्ट करना है किसके अंदर, रेडियन के अंदर, तो पाई डिवाइडेड बाय 180 करेंगे और साथ रेडियन लिख लेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ से कटिंग होगी 180, 31 और 36, सो इस यहाँ पे 0 बच जाएगा साथ, सही है। तो हमारे पास पाई बाय 60 का क्या है, फाइनल आंसर है मेरे पास, वहां पे भी पाई बाय 6, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इस रेडियन को फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पाई बाय 6 रेडियन, ठीक हो गया। आपने साथ ये लिख लेना है पाई बाय 6 रेडियन। अगर मैं 45 को सॉल्व करता हूँ तो 45 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 और इज इक्वल टू कटिंग करें, ठीक है, कटिंग करना है 45 को 180 के साथ, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो ये मेरे पास आ रहा है पाई बाय 45, पाई बाय 4 आ रहा है, ठीक हो गया, मतलब 45 1 और यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, सही है। तो मतलब मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, पाई बाय 4, पाई बाय 4 रेडियन। अगर मैं 60 को करूंगा तो 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 और कटिंग होगी, तो ये आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। सो स्टूडेंट्स, अगर 75 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 को हम लोग डिवाइड करेंगे रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी 5 और यहाँ पे आएगा 12, तो हमारे पास आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 12 रेडियन, ठीक हो गया। इसी तरह आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सारे करने हैं। 90 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 करेंगे तो ये आ जाएगा 91 और 92, तो पाई बाय 2 आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर 105 डिग्री करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय, सारों के इसी तरह करना है पाई बाय 180 के साथ आप लोगों ने, तो वो रेडियन में कन्वर्ट होता जाएगा जैसे पहले मैंने जिक्र किया। तो ये जो 105 का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7 पाई डिवाइडेड बाय 12, 7 पाई डिवाइड बाय 12, ठीक है, 12 रेडियन। इसी तरह हमारे पास 120 मैंने सारे आंसर अपने पास लिखे हुए, 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन, ठीक है, साथ लिख लेना रेडियन। और इसी तरह 135 को अगर करेंगे तो 135 का जो आंसर आ रहा है वो आप लोग सारे खुद कंप्यूटर पे सॉल्व कर सकते हैं, और ये आ जाएगा 3 पाई बाय 4 आ जाएगा रेडियन, ठीक है, 3 पाई बाय 4 रेडियन, सही हो गया। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट पे है वो है 5 पाई बाय 150 है, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 5 पाई बाय 4 150 का आएगा 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 रेडियन आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह और अब ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि 10 डिग्री और 15 मिनट, ठीक है, अगर एक होगा आपको आपके पास तो ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है। अगर मसलन इस तरह एक आपके पास यू कॉम्प्लीमेंट्स आए तो इसका मतलब है कि ये आपके पास मिनट्स में है, ठीक है। अगर आपके पास डबल है तो वो क्या है, सेकेंड्स में बात चली जाएगी। इट्स मीन कि हमारे पास अगर ये 15 को हम लोगों ने सिंपल डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है ना, तो हम करेंगे 50 डिवाइड बाय 16 अगर एक ऊपर होगा, ठीक है। अगर दो होंगे ऊपर आपके पास तो आप कहेंगे 50 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक हो गया। तो फिर इसी तरह इनको डिवाइड करके आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप एक है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि 10 डिग्री उसी तरह प्लस 15 को हम लोग करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 60, ठीक हो गया। अब इसके बाद आप लोग सिंपली इसको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना, जैसे मैंने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया हुआ है, हमारे पास आ रहा है 15 डिवाइड बाय 10, तो 1/4 आ जाएगा, और 1/4 मतलब इसको आगे इधर सिंप्लीफाई करता हूँ, 10 डिग्री प्लस 15 डिवाइडेड बाय 60, तो ये कटिंग हो जाएगी। जब भी आपके पास इस तरह के ऊपर आ जाएगा मिनट और सेकेंड्स के लिए, तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं 1/4, तो 4 इसका एलसीएम हो गया, 10 मल्टीप्लाई 4 40 प्लस 1 तो 41 डिवाइडेड बाय 4, तो 41 डिग्री आ रहा है। अब ये आ रहा है इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 41 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, लेकिन ये यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, इसके बाद आप लोगों ने इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये आएगा 41 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 180, ठीक हो गया। इसके बाद अगर इसकी कटिंग होती है तो कटिंग कर लीजिएगा, नहीं तो हमारे पास ये आ जाएगा 41, आप लोगों ने कैलकुलेटर का यूज करना है, ठीक है, 720 रेडियन हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा 41 डिवाइड बाय 720 रेडियन, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे
लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे इसका फाइनल आंसर लिख दो, 41 डिग्री डिवाइड बाई 720 रेडियन। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह अब हम इसके मजीद और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूंगा, मेरे डेस्क पे कहाँ पे गया। ठीक है, अब हमारे पास ये सारा रिमूव हो जाएगा, इसी से आप लोग समझ आ रही है। फिर अगर हम इस एक्स आई को सॉल्व करें 35 डिग्री और 20 रेडियन, तो ये भी हमारे पास एज इट इज होगा, 35 प्लस 20 को हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, 20 डिवाइडेड बाई 60, तो ये कट हो जाएगा, 2 1 और 2 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका जो अगला स्टेप होगा वो होगा 35 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, इसका एलसीएम ले लेना आप लोगों ने, 3 एलसीएम हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 35 करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई, ये आप लोग कैलकुलेटर इसका लाजमी यूज़ किया करें। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 106 डिवाइडेड बाई 3, तो 106 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 के साथ। सही है, अगर कटिंग होती है 106 डिवाइडेड बाई 80, तो आप लोगों ने कटिंग कर लेनी है, और कटिंग होने के बाद इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 53। ठीक है, ये आसान कॉन्सेप्ट हैं, इसीलिए मैंने इसके जल्दी जल्दी आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, और नीचे आ जाएगा पर 270 रेडियन, तो ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, 53 पाए और साथ क्या आ रहा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, 53 पाए और 270, 53 पाए डिवाइडेड बाई 270 रेडियन। ठीक हो गया, ये चीज़ आपके पास इसका आंसर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास जगह कम है, इसीलिए मैं आप लोगों को जो है ना हर एक क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग फिर ये बात ना कहें कि हमें किसी ने समझाया नहीं। अब इस क्वेश्चन के ऊपर हमारे पास नजर दौड़ाइएगा, ये 75, एक मिनट मार्कर में चेंज कर लेते हैं, हाँ 75 ठीक है डिग्री है, प्लस इसको लिखूंगा 6 डिवाइडेड बाई 60, प्लस 30 के ऊपर डबल है आपके पास मिनट्स। ठीक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम 60 मल्टीप्लाई बाई 60 कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास, क्योंकि अगर एक भी रेडियन यहाँ पे होता तो मैं एक ही रेडियन को कम करता, लेकिन अब यहाँ पे डिग्री है तो मुझे प्रॉपरली डिग्री में जाना पड़ेगा। सही है, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है आप लोगों ने, तो इसका जो इन दोनों का जो एलसीएम है वो तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 है ना, तो ऊपर 75 के साथ जो है ना मल्टीप्लाई होगा 60 मल्टीप्लाई बाई 60, मतलब इसका प्रॉपर जो आंसर होगा वो ये होगा। आप लोगों ने इसका एलसीएम लेना है सबसे पहले, तो 60 और 60 को एक ही दफा लिखते हैं, फिर यहाँ से दोनों 60 75 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, प्लस और इसी तरह हमारे पास यहाँ से एक 60 कटा, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 60, प्लस इसी तरह यहाँ पे 30 आ जाएगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे सिंप्लीफाई हुआ है, आप लोगों के पास जो फाइनल इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी, फाइनल तो नहीं, खैर मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9013 डिवाइडेड बाई 3600 डिवाइड हो गया। ठीक है, बस इन सबको मल्टीप्लाई किया, 75 अभी मेरे पास कैलकुलेटर यहाँ पे था लेकिन अभी मौजूद नहीं है, तो इन सबको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई बाई क्या किया, पाई बाई 180 के साथ। ठीक हो गया, और इसके बाद आप लोगों ने इसकी फिर कटिंग अगर होनी है तो हो जाएगी, अगर नहीं तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 9013, नहीं कटिंग हुई 90 पाई के साथ मल्टीप्लाई 9013 और नीचे आ गया 21600, तो ये इसका क्या हो गया हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, किसका 75 प्लस 6 डिवाइड बाई 60 प्लस 30। आई होप आप लोगों को इजीली समझ आ रही होगी, असल में मसला ये है कि बोर्ड का स्पेस थोड़ा छोटा है और मुझे सवाल एक ही क्वेश्चन ईजी हैं और एक एक पार्ट मैंने आप जैसे देख सकते हैं मैंने आपको सॉल्व कराया है। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर इसे सॉल्व कर सकते हैं। सही है, समझ आ रही है ना बात की। अब हम आते हैं जी, इसका जो फाइनल आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों के पास सेव हो जाए, 9013 पाई डिवाइडेड बाई 21600। ठीक हो गया, अब इसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट सॉल्व होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो दूसरा हमारे पास है 120 और 40 रेडियन, इसको ऐसे करना कि 120 डिग्री प्लस 40 को डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 36। ठीक हो गया, फिर हमारे पास यहाँ 4 के टेबल से कट कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा जी 4 10s are 40 और यहाँ पे आ जाएगा 4 9s are। ठीक हो गया, फिर इसी तरह हम लोग 2 के टेबल से कर सकते 2 5s are 10 और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 और 8 18। ठीक है, अब 9 मल्टीप्लाई बाई 18 आपस में मल्टीप्लाई आ रहे हैं, तो इसकी जो प्रॉपर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, कटिंग शटिंग करने के बाद हमारे पास 120 डिग्री प्लस जो इसकी सिंप्लीफिकेशन हुई है वो आई है 2/3। ठीक है, 2/3 आ गया क्योंकि 9 मल्टीप्लाई 5 बच गया ना, डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 18 भी बच गया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, वो फिर 5 से कट होगा। इसके बाद 3 इसका एलसीएम हो गया, 120 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो ब्रैकेट में आंसर आ रहा है 3
120 डिग्री, इधर तक समझ आ गया। फिर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स के, हम लोगों ने करना है 120 को मल्टीप्लाई बाय 3 करने और प्लस 2, इसी तरह आ जाएगा। फिर 120 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास आ जाएगा इस तरह, आप लोगों ने करना है ठीक है, 0 6 और 3, 360 प्लस 2 362 डिवाइड बाय 3, 362 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 5 बाय 180, ठीक हो गया। आप लोगों ने इसको फाइनल जो है ना 180 तक सॉल्व करने के बाद, अगर इसकी अब कटिंग हो रही है 362 को 180 के साथ कट करना है, और अगर कटिंग होती है तो कर दीजिए, नहीं तो ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई हो के आपके पास इसका फाइनल आंसर निकल आएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद अब हम आते हैं 154 की तरफ, 154 की तरफ, 154 डिग्री। और स्टूडेंट्स एक और चीज़ यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मेरे पास डिग्री नहीं थी, यहाँ पे मेरे पास था रेडियन और मिनट था, 120 मिनट 40 सेकेंड, ये चीज़ थी। तो खैर वो मैंने डिग्री में भी समझा दिया था, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, देखें ये तो और ईजी हो जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 40 डिवाइडेड बाई 1 रेडियन छोड़ना और 60 के साथ मल्टीप्लाई करना, क्योंकि इसके पास भी एक है और इसके पास भी एक है, हम लोग 2 के साथ तब डिवाइड करते थे जब हमारे पास डिग्री होती थी, तो सबको डिग्री में कन्वर्ट करना जरूरी था। यहाँ से 0 0 कट हो गया तो 2 2 4 और 2 3, तो ये आ जाएगा 120 रेडियन मिनट सॉरी प्लस 2 डिवाइड बाई 3, और इसके ऊपर भी आ गए। फिर इन दोनों से आप लोग इसको कॉमन ले लें, 120 प्लस 2 से अब मिनट को कॉमन ले लें डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ के बाद डिवाइडेड बाई 3 इस तरह आएगा कि 3 इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा ना स्टूडेंट्स। हम लोगों ने क्या करना है कि 120 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 रेडियन, ठीक हो गया। फिर हम लोगों ने 120 को मल्टीप्लाई कर लेना, तो जो हमारे पास आंसर आ रहा था वो है जी 362, वही जो हमारे पास फाइनल आंसर था वही, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 362 डिवाइडेड बाई 3, और ये ऊपर एक आ गया मिनट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इस तरह हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, समझ आ गई। अब इसके बाद हमारे पास 154 डिग्री और 20 डबल आपके पास सेकंड्स में आ गया, तो 154 डिग्री प्लस 20 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स के 221 और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक हो गया। तो हमारे पास 154 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 3 180 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद आप लोगों ने इसका एलसीएम लेना है, तो 180 एलसीएम हो जाएगा, और 154 डिग्री के साथ इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक हो गया 154 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल आपके पास आंसर आ रहा है 27001 आ रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ें सारी मैंने अपने पास नोट की हुई है कंप्यूटर के ऊपर, क्योंकि मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप लोग अपने पास क्या कर सकते हैं इसे वैल्यूज को अपने कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व करना, जैसे इनका एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं बन तो 180 154 से मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास आ रहा है 27001 डिग्री हो गया। इसके बाद 5 बाई 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अगर कटिंग होती है तो ठीक, नहीं तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो थोड़ा सा लेंथी आ रहा है, और वो मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ, ठीक है। इसका जो फाइनल मेरे पास आंसर आ रहा है वो है 27001 डिवाइडेड बाय 3 2 4 0 0, और ये पाए और 7 रीडियन, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है, समझ आ गया स्टूडेंट्स। तो ये चीजें आप लोगों ने इसी तरह सॉल्व करनी है, ठीक है। तो मतलब बस ये याद रखना है कि आप लोगों ने क्या करना है कि अगर रेडियन में कन्वर्ट करने की बात आ रही है डिग्री को, ठीक है, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करने की बात आ रही है, मसलन 180 डिग्री है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई पे 180 के साथ इसको कट मल्टीप्लाई करके कटिंग करके तुम्हारे पास पाई इसका आंसर आ गया। अगर रेडियन से डिग्री की तरफ जाना है तो ये उलट हो जाएगा, मसलन हमारे पास 180 पाई दिया गया, तो आपने क्या करना है कि 180 पाई के साथ इसे क्या कर देना है, उलट के साथ इसे आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ से पाई पाई कट हो जाएगा, ये आपके पास आप मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा, सही है। सो इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि 16 पाई है मेरे पास, तो आप लोगों ने क्या करना है 180 डिवाइडेड बाई पाई के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करा के, और 16 मल्टीप्लाई 180 करा के और ऊपर डिग्री लगा देना है, तो ये चीज़ होती है हमारे पास कॉन्सेप्ट की, सही है। तो इस तरह आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, और अगर आपके पास मिनट्स और सेकेंड्स ऊपर आ रहे तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने उतनी दफ़ा उसके साथ डिवाइड करना है उस चीज़ को। मसलन मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास आ रहा है 15, जैसे मैंने पहले जिक्र किया 15 मिनट्स आपके पास आ रहा है, तो 15 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, ऊपर 2 आपके पास, इसका मतलब 1 60 और 2 60 के साथ आप लोगों ने डिवाइड करना है। अगर 15 के ऊपर 1 है तो आप लोगों ने 15 डिवाइडेड बाई 60 एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो यही चीज़ आप लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट को जहन के अंदर रखना है, और इस तरह की चीज़ों को आप लोगों ने सॉल्व करना है। अब 0 ऊपर डिग्री है तो 0 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, तो इसका आंसर तो 0 ही आ जाएगा।
अगर आप 3 है तो इसको क्या करना है, सिंपल 3 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक हो गया। तो ये आपके पास फाइनल आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है। फिर 3 1 और यहाँ पे 1, और यहाँ पे आगे जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो आ रही है जी 3 बाय 60 कटिंग करनी है 3 बाय, और नहीं सॉरी डायरेक्ट आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं पाई बाय 180 के साथ। तो कटिंग करने के बाद आप लोग मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा 3 1 3, ठीक है। और फिर 3 1 3, यहाँ 6 के ऊपर 2 और 0, तो 1200 आ गया। 1 डिवाइड बाय 1200 को मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 के साथ, क्योंकि इसको हम लोगों ने डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। पाई के साथ कोई चीज़ कट नहीं हो रही, तो पाई डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 1200 आ रहा है 2160, इसका फाइनल आंसर आ गया। इसका जो आंसर आया पाई डिवाइडेड बाय 2160 आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि रेडियन पाई से कैसे हम लोग डिग्री से रेडियन की तरफ जा सकते हैं और कैसे हम मूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की आई होप आप लोगों को इजीली समझ आ चुकी होगी। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने क्या करना है कि रेडियन के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, हमें रेडियन दिया गया डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या कहा कि वो तो आप लोगों को इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हम लोगों ने रीडिंग को सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तक मोहम्मद फजान को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।